सभापति महोदय जी, 26 महीनों की सरकार ने यह तीसरा बजट पेश किया है। 19-20 का बजट 10 फरवरी को और 20-21 का बजट 20 फरवरी को और ये 21-22 का बजट 24 फरवरी को। सभापति महोदय, यह बजट पिछला जो 2 वर्षों का बजट है, मात्र 33% जमीन पे उतरा है, चाहे वो सड़कों का, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, हर विभाग का 33% से कम राशि जमीन पे उतरने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से, सदन से, सत्ता से, शिक्षा विभाग बजट की रूपरेखा जो खोलने का आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उसकी दिशा तय नहीं है। नर्सिंग कॉलेज खोलने का की घोषणा की है, लेकिन किसी प्रकार का बजट आवंटन नहीं हुआ है, नहीं किया गया है। अस्पताल में क्या विस्तार होगा यह भी तय नहीं है। परिवहन विभाग में कौन से रूट पे गाड़ियां चलेगी ये भी ऐसा बजट में बिल्कुल नहीं दर्शाया गया है। यह सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, झूठ और लूट की सरकार है। अपराधीकरण इस सरकार में बहुत ज़्यादा हुए हैं। पिछला जल स्वावलंबन अभियान जो चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसको बंद किया। स्टेट हाईवे जो सड़कें हैं उसमें जो टोल नाके हैं पुनः चालू कर दिए। आज 2 साल से ग्राम पंचायतें जूझ रही है, संघर्ष कर रही है, विकास के आपके द्वारा उस पैसों को कब भेजेंगे इस बात को लेकर के सरपंच लोग बहुत उपखंड लेवल, जिला मुख्यालय और 8 तारीख को आपके बीच में आने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा का उस क्षेत्र में जो नाम काफ़ी उपखंड कार्यालय पे है, उस पे अभी सबसे बड़ी अपेक्षा उस आदिवासी क्षेत्रों को किया गया, जिसमें इसमें बजट का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया। उदयपुर संभाग को छोड़, मारवाड़ संभाग को देख लिए, जहाँ ट्राइबल का जो बहुत भूभाग है उस पे इस बजट में आपने 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का काम किया, घोषणा की है, चाहे वो ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, मंत्रालय कर्मचारी के समान पात्रता परीक्षा की होगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के प्रावधान स्पष्ट नहीं है। और बजट में समग्र औद्योगिक विकास की भी बात कही है, 64 नए उपखंडों को बनाने की घोषणा की है, परंतु जनजातीय क्षेत्रों को वंचित रखा गया है। ये माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश विश्व में महाराणा प्रताप के गुणगान किया जाता है, उनके चरणों पे अपन चलते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र सोलंबर के चावन एक ऐसा क्षेत्र है जो अंतिम राजधानी भी रहा, अंतिम महाराणा प्रताप ने सांस ली, वहाँ उस क्षेत्र का इस बजट में कोई समाधान नहीं किया गया है। और चावन आज भी अपने विकास की राय देख रहा है। जैसमंड से चावन रोड जो जीर्णोद्धार की बात कही, हाड़ा रानी की भूमि की बात कह रहे हैं आपके, मेरा ये निवेदन है कि एक बहुत बड़ी निवेदन है, स्टेट हाईवे 32 उदयपुर से सलोम्बर, पिछले 2 साल से PWD और वन विभाग की लापरवाही से मेगा हाईवे रोड है जो उदयपुर से बांसवाड़ा, रतलाम, इंदौर को जोड़ता है, वो आज उनकी 15 किलोमीटर की NOC नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कार्य बंद है, उसको चालू किया जाए। मेरा एक सबसे बड़ा सभापति महोदय जी आपसे निवेदन है, आप भी इस बात को परिचित होंगे, इंटर डिस्कॉम में स्थानांतरण आज तक नहीं हुआ। जब 2000 में ये राज्य विद्युत बोर्ड से जो कंपनियां बनी, अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम, प्रचारण और वितरण, लेकिन इसमें जो भी कर्मचारी अपने अपने जिलों, कोई गंगानगर का होगा, कोई उदयपुर का होगा, बांसवाड़ा का होगा, वो आज तक स्थानांतरण होकर के अपने गृह जिले में नहीं जा रहा है। तो इस बात को हमारे ऊर्जा मंत्री हमारे बीच में नहीं है, मुख्यमंत्री जी भी नहीं है, इसको
क्षेत्र इसको बिल्कुल ध्यान में रख करके उन कर्मचारियों अधिकारियों का जो भी जहाँ जाए। एक हमारा जब डिस्कॉम बना था उस 2000 में शुरू हुआ, 2020 में उसकी समय अवधि पूरी हो गई। आज तक आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये इस बारे में कोई किसी तरह से प्रावधान नहीं है। मैं एक सभापति महोदय जी, बजट में 12 नई परियोजनाओं को हरी झंडी देने का दी है, जिसमें सरकार 47,000 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वह कहा गया है किस क्षेत्र में होगा, किन इन परियोजनाओं को लागू किया जाना प्रस्तावित यह स्पष्ट भी नहीं है। केवल प्रलोभन और एक लालसा दे रखी है। मेरा माननीय सभापति महोदय जी, आपसे मेरा निवेदन है कि सरकार को आप अवश्य बताएं कि संविदा कर्मी बहुत पूरे राजस्थान में परेशान है, 2 साल से स्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं। कला साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और कमेटी ने सरकार को निर्णय भी दे दिया और आज तक अब तक स्थायी करें इनको स्थायी करने का, जिसमें विद्यार्थी मित्र भी है, पंचायत सहायक भी है, पैरा टीचर भी है, लोक जुम्बिस कर्मी भी है, शिक्षा कर्मी भी है, विद्यालय सहायक भी है, करीब ये 1.5 लाख के अधिक ये संविदा कर्मी है। दूसरा पर 2 मिनट के बस, आज सरकार के सामने बहुत बड़ी जो जमीन क्षेत्र में काम करने वाले, पटवारी हड़ताल पे है, आंगनवाड़ी हड़ताल पे है, ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पे, एनएम हड़ताल पे है, बेरोजगार युवा भी अपनी मांगों को लेकर के धरने पे बैठे हैं। मेरा यही निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में आपने सलोम्बर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहाँ जिला चिकित्सालय खोलने के लिए आपने कहा था लेकिन अभी तक नहीं खोला। सलोम्बर में हमारा पेयजल बहुत पुरानी 50 साल की पाइपलाइन है, उसको चेंज किया जाए। सामुदायिक चिकित्सालय चावन और जावद में खोला जाए, जिला परिवहन कार्यालय भी हमारे सलोम्बर में खोला जाए। मैं ये सरकार, भ्रष्टाचार इस सरकार में बहुत हुआ, भूमाफिया हुआ, बजरी माफिया हुआ, किसानों की कर्ज माफी नहीं कर पाए, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, आयुष्मान भारत का नाम चेंज कर दिया, चोरी डकैती अपहरण अधिक हुए, कानून व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई और बिजली की स्थिति बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100-100 बार बिजली ट्रिप होती है, सड़कों की हालत बहुत खराब है, शिक्षा के क्षेत्रों में कमरे बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए। एक यह भी कहना चाहूँगा कि इस सरकार में ऐसी सरकार अपन ने पहले कभी नहीं देखी, जो पर्सनल लीक हो जाना, भर्ती समय पर नहीं होना, बजटीय घोषणा 33% होनी और दागी अधिकारियों को पुनः सिर्फ जगह पोस्टिंग करना, बिजली की दरों को बढ़ोतरी करना, VCR बनाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा को सही तरीके से किसानों का वो नहीं करना, ये सारी मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।